दोस्तों पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत नूं प्यार करन वाले दोस्तों मैं तुहानूं पंजाब सरकार वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री साहब वल्लों हार्दिक जी आया आखदा क्योंकि इस वेले सिर्फ इस हॉल दे विच बैठे दोस्त ही इस प्रोग्राम नाल नहीं जुड़े सगों मैं समझदा कि 4.25 करोड़ लोग इस पंजाबी जिहड़े ने साडे इस प्रोग्राम नाल जुड़े आ पंजाब दे विच साडे वख-वख सूबियां दे विच देश विदेश दे विच बैठे आ सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दिवस दीआं तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां। पंजाब दिवस दे नाते ताड़ियां मारो ताकि असीं पंजाब नूं चढ़दी कला वाले लैके जाइए। और अज असीं चर्चा जिहड़ी करनी कि मैं पंजाब बोलदा हाँ, अज पंजाब दिवस ते पंजाब बोलेगा इस मंच तो। मैं हजे भी इंतजार कर रहा कि माणयोग मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह मान मंच ते सुशोभित ने। सर मैं समूह पंजाबियों वालों तुहाडा स्वागत करदा और इस गल्लों भी धन्नवादी हाँ कि एक पिरत पाई आ, मैं राहां ते नहीं चलदा, जे तुरदा तां राह बणदे, चलदा तां राह बणदे। ये राह एक बनाया कि सरकार ने भी पहली वारी कहा कि आओ पंजाब दे मुद्दे ते गल करिए, पंजाब दे दर्दां ते गल करिए, पंजाब दे फिकरां ते गल करिए, सारे इकट्ठे होकर गल करिए। जिन्हां ने राजपा कीता उन्हां नूं भी, पर मैं बतौर मंच संचालक चाहुंदा कि साडी एक रवायत है एजुकेशनल संस्थावां दी कि असीं कुछ समां इंतजार करदे, सर 5-4 मिनट सानूं दिओ, हो सकता साडा कोई लीडर साहिबान साडे विच आवे ते ये ना किसी के मन दे विच रहे कि गल नहीं कीती, अज गल होनी चाहिए। पंजाब दिवस ते असीं गल करन जा रहे हां। पंजाब दा एक गौरवमई इतिहास है। पंजाब दे जदों बूहे बारियां खुलदे आ तां पूरे संसार दे विच महक फैलदी आ। पंजाब सिर्फ धरती दा टुकड़ा नहीं, इस करके सानू फिक्र नहीं कि पंजाब नूं कई बार कट के छोटा किया गया, लेकिन पंजाबी फैलते गए किड्डी वड्डी गल है। अज 150 मुल्कां दे विच पंजाब वसदा, ये पंजाबियों की शिद्दत है। लेकिन पंजाब के दर्द नूं समझना भी बहुत जरूरी है। सानू बहुत माण है पंजाब ते, माण तरक्कियां कीतियां साडे नौजवानों ने, साडे किसानों ने, लेकिन हुण किहड़ी स्थिति ते आ सी, एक खोरा किवें लग्या, कित्थों कित्थों लग्या। किसी शरीर का एक जख्म उचेड़िए ना तो बहुत सारे जख्म निकलते हैं। पंजाब की रूह भी तड़फदी है कि ना कि जे पानी के मुद्दे की गल करते हैं तो नाल दी नाल खेतीबाड़ी का मुद्दा नाल निकल आता, जुड़ता वो नाल। जे खेतीबाड़ी की गल करते हैं नाल आर्थिकता का मुद्दा उठ खड़ता, जे आर्थिकता की गल करते हैं तो भ्रिष्टाचार का मुद्दा सामने आ जाता, जो भ्रिष्टाचार का आता तो बेरोजगारी का सामने आ जाता, बेरोजगारी सामने आती है तो जिहड़े साडे नौजवान नशियां च पै गए जां जिहड़े नौजवान विदेशों वल जा रहे आ उन्हां दा फिक्र सानू खांदा। मैं सदके हां सर तुहाडे कि तुसीं इस फिक्र नूं समझिया और सद्दा दित्ता कि आओ पंजाबीओ रल के गल करिए। गुरु नानक साहब का संदेश है जिहड़ा कि जब लग दुनिया रहीए नानक, किस सुनीए किस कहीए। गुरु साहब जदों गोष्ठी करन जांदे सी उह कहिंदे सी किसे सवाल का जवाब दिओ, रोस ना कीजे उत्तर दीजे। रोसे करना रोसिया नाल कदे मसले हल नहीं होंदे, सामने बैठ के मसले हल होंदे। सो सर मैं प्रोग्राम पंजाब सरकार दे विच जिथे इन्हां पंजाबियों का स्वागत करदा, ऑनलाइन जुड़े पंजाबियों का स्वागत करदा, 4.25 करोड़ पंजाबियों का, हुण मैं पंजाबियों वल्लों तुहाडा स्वागत करदा सर। और मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वल्लों बेनती करांगा कि प्रोग्राम की शुरुआत तो पहला माणयोग वाइस चांसलर साहब नूं कि वह PAU वल्लों फुल्लां दे नाल, महक दे फुल्लां दे नाल जिस तरह का पंजाब चाहुंदे आ CM साहब सरदार भगवंत सिंह मान, उहो जे फुल्लां दी महक दे नाल तुहाडे सारयां वल्लों तुहाडियां ताड़ियां दे विच स्वागत करनगे वाइस चांसलर साहब। असीं साडे 5 लीडर साहिबानां लई बुके लैके आंदे आ, फुल लैके आंदे आ, जे ही आउणगे असीं उहनां दा भी सन्मान इसे आदर नाल करांगे। गौरवमई इतिहास है मेरा, विरसा खासो खास है मेरा, दुनिया विच पहचान है वखरी, ऐसा खूब लिबास है मेरा, मोह दियां महकां जग विच फैलन,
जब बूहे खोलता हाँ मैं पंजाब बोलता हाँ, मैं पंजाब बोलता हाँ, मैं पंजाब बोलता हाँ। आज पंजाब बोलेगा इतों। पंजाब की मिट्टी बड़ी करमा वाली मिट्टी आ। पीर फकीरां नू जन्म दिता इस धरती ने, योधिया सूरमियां नू जन्म दिता इस धरती ने, लियाकतवान नू जन्म दिता इस धरती ने, किसानां नू मजदूरां नू किरतियां नू जन्म दिता इस धरती ने। और इस धरती लई फिकर लेके आए आ सरदार भगवंत सिंह मान, पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार अंजम दियां उन्हां लाइनां दे नाल, कि इहदा रंग संधूरी आ, इह गोरी चिट्टी आ, इहनू मैली ना करियो, मेरे पंजाब दी मिट्टी आ। इस मिट्टी विच कोई कड़त्तन किद्दां भर जावे, ये मिट्टी तां घर घर जाके प्यार दे बूटे लावे। पुछ लो फकीरां नू, इहदी बाणी मिठी आ, इहनू मैली ना करियो, मेरे पंजाब दी मिट्टी आ। इह संदेश है इस मंच तों साडा सारिआं दा, कि इह धरती नू प्यार करिए। धरती नू प्यार करन वाले दोस्त इत्थे बैठे आ। जिहड़ी अज दी सभा है माणयोग सीएम साहब, इस करके महत्वपूर्ण है कि तुहाडे इक सद्दे ते जिथे साडे सियासतवान लोग इत्थे बैठे आ, माणयोग जंपा साहब बैठे ने, मंत्री साहब, माणयोग संजीव अरोड़ा जी बैठे ने मैंबर पार्लीमेंट, माणयोग सरदार गुरमीत सिंह खुडिया पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री बैठे आ, MLA साहबान बैठे आ, उत्थे सरदार बलतेज सिंह पन्नू होरी बैठे आ। उत्थे सर मैं समझदा कि बुद्धिजीवी वर्ग के विचों भी बहुत वधिया इंसान सरदार बाबू सिंह मान मराड़ा वाले इत्थे बैठे आ, ऐन पंजाबीयत नूं चंगी तरह समझदे, शब्दां नाल खेडण जाणदे, पंजाबी सभ्याचार नूं तुहाडे सामने पेश कीता। प्रोफेसर गुरभजन गिल होरी बैठे, लोक विरासत अकैडमी दे चेयरमैन, डॉक्टर सतवीर सिंह गोसल जी वाइस चांसलर साहब, बाल मुकंद शर्मा जी, सरदार रणजोत सिंह फोटो आर्टिस्ट बैठे, सरदार गुरप्रीत सिंह तूर बैठे जिन्हां ने अपनी नौकरी दे नाल पंजाब दे दर्द नूं अपनियां किताबां दे विच तुहाडे सामने पेश कीता, प्रोफेसर रविंदर पठल जी बैठे, और सरदार हकीक सिंह मांगट, जसमेर सिंह टट, एजुकेशन खेत्र के बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे अफसर इतने बैठे, अफसर साढ़े वो साहबान बैठे जिन्होंने अपनी कुर्सियां बह के पंजाब नू नीतियां जिहड़ियां दित्तियां बहुत अच्छी दित्तियां। इस करके अज जिहड़ी गलबात होएगी वो बहुत गंभीर होएगी, उहदा नतीजा निकलेगा मैं समझदा। और सर पहली बारी होया पंजाब दे विच इह कि तुसीं इह जिहड़ा सद्दा दित्ता, इह पिरत पवेगी ते आउण वालियां जिहड़ियां पीढ़ियां इस गल नू तुहानूं शाबाशे, तुहाडा सत्कार करनगियां कि पंजाब दे इक मुख्यमंत्री ने, पंजाब दी इक सरकार ने पिरत तोरी कि आओ बैठ के गल्लां करिए। मैं क्योंकि मेरा बोलना इस करके बहुता सर जरूरी नहीं गा कि लोग सुनना चाहते आ, ये सब लोग जिहड़े इस ऑनलाइन जुड़े आ ये जवाब मंगते आ उन्हां लोकां तों जिन्हां ने पंजाब दे उपर राज कीता, जां उन्हां लोकां तों जिहड़े पंजाब दे उपर राज कर रहे आ, कि तुसीं साडे लई की कीता, की करना है। आउण वालियां पीढ़ियां जिहड़ियां वो तुहाडे वल सर देखदियां, बहुत चंगा हुंदा जे ये लीडर साहबान साडे विच हुंदे, साडे सत्कारयोग, उन्हां नूं सुण सुण के असीं बहुत कुछ सिखिया, अज्ज उह गल्लां करदे तां बहुत वधिया लगणियां सी कि असीं कित्थे मार खाधी आ, असीं कित्थे कि जे किते उक्के आ जिहड़ा इह दर्द नूं असीं हंडा रहे हां। पर तुसीं इस गल नूं सर समझिया, मैं समझदा कि साडे लई इही सुभागा होएगा। सो असीं उन्हां सारिआं दा सत्कार करदे होए कि जे वह इस मंच तो सुन दिया तो गल सुनीए जरूर, उस तो बाद गल करन दा मौका भी मिलता जदों गल बंदा सुनदा। सो पंजाब दिवस ते फिर तुहानूं सारिआं नूं मुबारकबाद दिंदा होया, जिया कहिंदा होया, आपां इस असीं इस गलबात नूं इस तरीके नाल करांगे कि तुसीं सर 1.5 साल तो मुख्यमंत्री दी कुर्सी दे उपर बैठे हां, ये जिहड़ी कुर्सी आ ये कल्ला माण नहीं गा, ये कुर्सी मैं समझदा कि इहदे विच बहुत सारे फिकर भी हुंदे आ कि तुसीं कुछ सोचना, तुसीं सिर्फ इस 1.5 साल बारे नहीं, तुसीं उदों पिछे भी सोचा होगा कि यार जिहड़ी मैं जिम्मेवारी ते बैठ गया, जिहड़े पंजाब नूं मैं हुण संभालिया, ये पंजाब 1955-56 तों लै के जां 1966 तों लै के जदों बणिया किहड़े हालातां दे विचों लंघ रिहा, तुसीं निलसे जरूर कीता होऊ सर इस गल दा, तां ही तुसीं बहुत सारे फैसले जिहड़े कीते आ जां आउण वाले फैसले तुसीं करने आ। संधू साहब बहुत बहुत जी आया, सरदार शमशेर संधू जी साडे च पहुंचे आ, सो लोग तुहाडे कोलों सर आस भी रखदे आ कि 1.5 साल दे विच जो फैसले होए लोगों ने उन्हां नूं स्वीकारिया, हस के कबूलिया, लेकिन इन्हां पंजाब दे दर्द नूं तुसीं किवें महसूस करदे आ। जिहड़ा पंजाब है इस वेले वो बहुत कुछ सियासतदानां तों मंगदा, जवाब मंगदा, तुसीं भी कोई प्लैनिंग कीती होणी आ जां तुसीं उह दर्द नूं वाचिया होणा कि पंजाब इस स्थिति दे विच किवें पै गया, तुसीं उह फैक्ट देखे होणे आ, क्योंकि मुख्यमंत्री दी कुर्सी ते बैठ के ये जिम्मेवारी बहुत वड्डी आ कि
प्रेजेंट फैसले तो करने ही करने उन्होंने अतीत के नाल भी जोड़ना किवें ना किवें भी असं इस अतीत दे विचों किवें मतलब पहुँच गए। सो हुण मैं तुहाडे सारयां वल्लों मुख्यमंत्री साहब नूं सद्दा देवांगा कि बतौर मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी तुसीं की सोचदे आ कि पंजाब रंगले पंजाब तो लैके बेशक तुसीं हुण फिर रंगला पंजाब बनाउण वालों नूं शुरुआत की आ इस हालात दे विच किवें पहुंचिया की तुहाडा विचार है सर की तुहाडा कंसैप्ट है की तुहाडा आइडिया किहड़े तुहाडे नुक्ते आ सर वो तुसीं पंजाबियों दे नाल सांझे करो। सरदार भगवंत सिंह मान सीएम पंजाब बहुत बहुत मेहरबानी बहुत बहुत दिल दी गहराइयां तो शुक्रिया। इस वक्त जिहड़े पंजाबी भावें वह सोशल मीडिया के जरिए भावें वह किसी टीवी चैनल के जरिए भावें वह देशों विदेशों किसी थिएटर के बड़ियां स्क्रीनां लगा के भावें वह घर बैठ के अज के इस इतिहासक समागम नूं सुन रहे ने देख रहे ने अखां नाल मैं उन्हां सारयां दा बहुत बहुत तहे दिलों धन्नवाद करदा कि एक नवीं पिरत दे तुसीं चशमदीद गवाह बनोगे एक नवीं रवायत जिहड़ी है जिस तरह जौड़ा साहब ने कहा उहदी शुरुआत अज पंजाब डे वाले दिन हो रही है। मैं बधाई तो नहीं दूंगा क्योंकि अज छोटे हुए सी होर छोटे हुए सी कई बार छोटे हुए अज होर छोटे हुए सी 1 नवंबर 1966 नूं पर उस तो बाद की होया उस तो बाद राज सत्ता च जिहड़े रहे उन्होंने किहड़े किहड़े फैसले लए कई तो इहो जिहे फैसले ने जिहड़े मैं अज तुहाडे सामने पेश करूँगा थोड़े रोंगटे खड़े हो जाणगे। तुसीं कहोगे यार इन्ना कुछ भी बेच सकते हैं ये अपने स्वार्थां लई जिहड़े कागज़ कदे सामने नहीं आए बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे आ पंजाब नूं प्यार करन वाले लोग हर वर्ग तो बैठे आ ते सुन भी रहे आ। पहली गल तां मैं दसदा कि इह इक डिबेट है जिन्हां ने हुण तक राज कीता जां डिसीजन मेकिंग पावर रही जिन्ना कोले उन्होंने डिबेट है। हाल के बहुत सारे लोग किसी होर पार्टी संबंधित भी बैठे होंगे एक गल मैं क्लीयर कर देनी चाहना ना तो इत्थे अज कोई जितन हारना आया ना इत्थे अज कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करना आया ना इत्थे किसी के हक च बाहां खड़ियां कराई जाणगियां ना ही किसी की हूटिंग होगी ना ही किसी के हक चीकां मारियां जाणगियां ते ना ही कोई हुल्लड़बाजी होगी जस्ट बहुत गंभीर डिबेट करनी बहुत सूखम मुद्दों पर आप विचार करना चंगा होंदा मेरे साथी इत्थे आउंदे पिछले 25-30 दिनों तो बहाने लाउंदे 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 इस गल ते पहुँच गए कि असी नहीं आउंदे। एक गल शायद परमात्मा ने जिस दिन मेरे तो ये ट्वीट करवाया सी कि रोज़ दी किच किच नालों चलो आपां कट्ठे बहने आ पंजाब दी किसानी पंजाब दी जवानी व्यापार दुकानदार मोह मलाजे टोल पलाजे गुरुआं दी बाणी ते नहरां दा पाणी हर मुद्दे ते आपां गल करदे आ बह के जिस वेले परमात्मा ने मैनूं बल बख्श के लिखाया होगा शायद वह उस दिन ही मुकर गए होणगे वी आह की पंगा पै गया। असल च की है पहली बार होया कि राज करन वालियां तीन धिरां कांग्रेस नाओ डेज बीजेपी पहले कांग्रेस ही सी अकाली दल फिर कांग्रेस। सो बीजेपी कांग्रेस के कल तीन धिरां पहली बार होया कि पंजाब की राज सत्ता तो बाहर हो गई तो पहली बार होया कि इन्हां नूं किसी ने सवाल पूछा है कि तुसी फैसले किहड़े लए नहीं तो यह एक दूजे तो सवाल पूछते ही नहीं सी। तीजा बंदा आऊगा तो दो बंदे नूं पुछूगा ना सवाल
आपस तर जदों सवाल पूछने नहीं एक दूजे ने, पर मैं अज वो सारिया चिट्ठिया सारे फैसले थोड़े सामने तरू एक बारी ताड़ियां मार के मैं इजाजत दे दो कि मैं ये काम कर सकता। परमात्मा ने बल बख्शिया है, समत बख्शी है, होर समत बख्शे। मैं शुरू करदा SYL तो। SYL का जिहड़ा पूरे इंडिया दे विच जिहड़ा पानियां दा झगड़िया नाल निपटन वाला जिहड़ा कानून है, एक्ट है, जिहड़ा इंटरस्टेट रिवर वाटर, वो 1956 दा है, 1956 दा है। पर पंजाब इक्को इक सूबा है जिहदे पानियां दी वंड वास्ते पंजाब पुनर्गठन एक्ट 66 लिआंदा है, एक वक्खरी व्यवस्था कर ली। सब तो पहला धक्का तां इत्थे हो गया जी कि बाकियां वांगू पानी नहीं वंडना, पंजाब तो अलग पानी लैना किसी होर तरीके नाल। ज्ञानी जैल सिंह जी आ गए, उन्हां दा कार्यकाल आ गया 1966 दे विच, सारियां एसेट वंड लिया पंजाब ते हरियाणा ने आपस च 60-40 का अनुपात करता कि 60% हिस्सा पंजाब का होगा, 40 हरियाणा का। पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नोटिफिकेशन राही जबरदस्ती ब्यास के पानिया से धक्के पंजाब ते हरियाणा का 50-50% करता जी, 10% तो उत्थे ही मारे गए जी भी 50-50 होगा। तो कांग्रसी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी विरोध कर ही नहीं सकते जो उपर कांग्रेस है। तो इस करके 16/11/76 जिहड़े तत्काली मुख्यमंत्री सीगे उन्होंने हरियाणा तो 1 करोड़ रुपए का चैक ले लिया ता कि SYL का निर्माण शुरू हो सके। 16/11/1976 1 करोड़ रुपया एक्सैप्ट कर लिया गया पंजाब सरकार वालों। फिर उस तो बाद ये आ गए प्रकाश सिंह जी बादल 1977 च सरकार बनाई, 20 जून 1977 तो 17 फरवरी 1980 तक 3 साल लगभग राज किया जी। बादल साहब ने एक बार भी हरियाणा नूं पानी देने वाली जिहड़ी नहर का काम रोकिया नहीं, सगों उन्हां दा पत्र नंबर है 29617 है मेरे ख्याल, उहदे राहीं 4/7/78 नूं उसारी वास्ते 3 करोड़ रुपये होर मंग ले भी 1 करोड़ तो पहुँच गया बाकी दो। इहदा मतलब उधरों भी मंजूरी है कि असी बनावांगे नहर। तो 31/3/1979 नूं, क्योंकि 31 आखिरी तरीक हुंदी है फिस्कल ईयर की आर्थिक बरे की, 31/3/1979 नूं अकाली दल सरकार ने हरियाणा तो 1.5 करोड़ रुपये का चैक नहर बनाउण वास्ते फेर ले लिया जी। हुण गल क्लीयर हो गई ना, करोड़ उन्होंने मंगया, 1.5 करोड़ इन्होंने मंगया। फिर ये नाल चलता होगा कि नहीं, नहीं उत्थे चलता ना, पब्लिक नूं भी पता लगे ना कि चल रहा, चल रहा ना। हाँ फिर की होया, प्रकाश सिंह बादल ने SYL नहर नूं उसारी वास्ते बहुत घट समय च जमीन अक्वायर करने वास्ते एक लैटर जारी किया जी लैंड एक्विजिशन का, जिदे विच एमरजेंसी क्लॉज लाया गया। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसा च लगता है कि बहुत जल्दी है जमीन अक्वायर कर लो। मेरे को लैटर मेरे अफसर को होगा शायद, कृष्ण जी जोड़ा साहब फड़े, मैं अज सारा कुछ लिखा। जमीन अक्वायर करन दा लैटर जारी करता तो उस तो बाद हरियाणा दे देव ने आ लैटर है जी जिदे विच एमरजेंसी क्लॉज लाई हुई है लैंड अक्वायर करने वास्ते। तो ये लैटर तो बाद ही फिर देवी लाल जी ने मुख्यमंत्री तौर पर विधानसभा च स्टेटमेंट दी जिहड़ी कि रिकॉर्ड ते है, तुसीं पढ़ोगे कि ड्यू टू माई परसनल रिलेशन विद सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब गवर्नमेंट हैज़ अक्वायर्ड द लैंड अंडर सैक्शन 4 एंड सैक्शन 17 एमरजेंसी कलॉज।
फॉर SYL कनाल पंजाब गवर्नमेंट ट्राइंग इट्स बेस्ट फॉर दिस वर्क, देवीलाल जी ने कहा है। राव बरिंदर सिंह का सवाल सी उस वेले। अच्छा अंदर आ गल्लां चल रही ने, अंदर एमरजेंसी क्लॉज ला के जमीन अक्वायर, तो बाहर पंजाबियो कुर्बानियां देण वास्ते तैयार रहो, पानी नहीं जान देना अपने। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बाहर ये गल्लां चल रही हजे तो कुछ भी नहीं, ये तो हजे शुरुआत हुई है। अगे देखियो 1998 जदों प्रकाश सिंह बादल दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, 97 बने सी, तो उन्होंने दरियावां नूं होर ज़्यादा पानी देने की मंशा नाल हरियाणा ने एक चिट्ठी लिखी हरियाणे के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री नूं कि जिहड़ी BML है, BML कहिंदे आपां भाखड़ा मेन लाइन, कि जिहड़ी भाखड़ा नहर है ना उस सिल्टिंग हो गई, मिट्टी जम गई, तो साडा हिस्सा घट आ रहा है, भी एक तरीका इनू 1 फुट उच्चा चक दो किनारे। तो बादल साहब ने 1998 दे विच भाखड़ा नहर नू कितों 1.5 फुट कितों 1 फुट उच्चा चकता जी, उहदे बदले 45 करोड़ रुपये हरियाणे तो ले चैक खजाने वास्ते, पर एक होर चीज़ ली उहदे बदले 6 किलोमीटर नहर हरियाणे ने बनाई जिहड़ी कि बालासर फार्म जाती है, इन्हां दे खेत ही खत्म हो जाती है, उहदा नाम है बालासर कनाल। लो जी फोटो उहदी भी दिओ। आ बालासर कनाल है जी, ये 6 किलोमीटर हरियाणे ने बनाई है, इहदे विच 18.10 क्यूसिक पानी जाता है, 28,200 फिट इहदी लेंथ है, ये बादलों के खेत च खत्म हो जाती है, चक बादल ये तां बनाई है क्योंकि भाखड़ा का 1 फुट 1.5 फुट उच्ची चक्की से इधरों। बल्ले भाई बल्ले, क्या कुर्बानियां दित्तियां हुई हैं, अजे कुछ भी नहीं। उन्हां दी नहर बना के अपनी फार्म नूं नहर कढ़ा ली, नहर के बदले नहर ले ली उन्होंने आप। इस तो इतों तो हम पता लग ही गया कि वो किड़े हित उन्होंने सके। अगले आ जाने, अगे आ जाने, अगे 1981 दरबारा सिंह मुख्यमंत्री सी। 1981 इंदिरा गांधी जी ने कहा, प्रैशर पाया, जेडे प्रैशर बारे दरबारा सिंह दे बेटे ने टाइम्स ऑफ इंडिया च बयान भी दिता हुआ कि मेरे बाप ते बहुत ज़्यादा प्रैशर पै गया सी, इस करके करना पाया, कहिंदे विधानसभा च वाइट पेपर जारी करो SYL बारे, वाइट पेपर जारी करो कि असी बनावांगे, तो पंजाबियों नूं इहदे फायदे दस दो, कहिंदे तां बहुत ज़्यादा फायदे ने, छेती करो। विधानसभा बुलाई गई, हुक्मां दी अदूली होई, हुक्मां नूं मन्निया गया, लियाओ जी वाइट पेपर। बहुत बेचारा हुण तां येलो पेपर जिहा बन गया, पुराना है ना, ये तुहानूं मिल जूगा, ये तुहानूं सारा दे के जावांगे। इस वाइट पेपर च इहदी हालत देख लो, पहले तो कहो जी हुई पई है, ये दबिया होया सी ना बहुत थां थले, 18 तो पैरा 26 तक SYL दे बेनीफिट गिनाए हुए ने। ओ ते ओ कांग्रसियां ने, ये मैं तुहानूं बाद च दे के जाऊँगा, तो पंजाबी भी हैगा अपने कोले, पंजाबी भी कराई हुई है। ये की लिखते ने, कहिंदे इन्ना फायदा होना SYL बनन दा, पंजाबियों का हिसाब ही लगना, कहिंदे किन्ना फायदा होना, तो अज की कहिंदे है एक एक बूंद रोकांगे, असी नहीं जान देने। हद है यार, वाइट पेपर विधान की नाम है, रावी ब्यास एग्रीमेंट 1981 वाइट पेपर। ये तो हो गया रावी ब्यास एग्रीमेंट, हो गया 81 च, उस तो बाद समझौता कर लिया भी रावी
ते ब्यास दा पानी किवें देना है, उहदे च हरियाणा दा हिस्सा कर लिया, राजस्थान दा हिस्सा कर लिया, दिल्ली दा भी 0.2 कर लिया, ते राजस्थान दा 8.60 MAF पानी ना मिलियन एकड़ फीट दे विच मिणिया जांदा है MAF। सो SYL दा जिक्र नहीं कीता, वाइट पेपर लिया के कहता भी तो बहुत फायदा हो जूगा। अगे चलते आप, अगे की है आ देखो 8 अप्रैल 1982 ये मैं पार्लीमेंट भी दिखाया सी, इनविटेशन लैटर है। MP कौन ने पटियाले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, फोटो इधरले पासे की लाई है इंदिरा गांधी की। 8 अप्रैल 1982 नू इनविटेशन है कि कपूरी पहुँचो जी पटियाला जिले च, जिथे चांदी की कही लैके कैप्टन साहब गए सी टक लवाउण, ते इंदिरा गांधी कपूरी आई सी। इंदिरा गांधी कल्ली नहीं आई सी, नाल जहाज़ दे विच बलराम जाखड़ जी भी आए सी, श्री शनूल जाखड़ के पिता जी। शायद एक कारण यह भी होगा कि अज नहीं आए, ये आ इनविटेशन लैटर है जी। टक्कल वाले चांदी दियां कईयां नाल, किसी ने नहर ले ली, किसी ने एक फुट तहां चकता पानी का लैवल, तो आपस किसी नूं पुछदे नहीं सीगे। तो फिर उस तों बाद की होया, अगे चलदे, क्योंकि मैं ये नहीं हो सकता। हुण देखो ये कहिंदे ने कि जी देखो पुरानियां गल्लां नहीं छेड़नियां चाहीदियां सानू, जे असी गलतियां कीतियां सी तो सानू लोकां ने फिर सज़ा देती, सानू 2022 च हराता दोनों पार्टियां नू, इस करके पुरानियां गल्लां छड्डो। हुण भगवंत मान जवाब देवे, मैनू ये दसो जी, पढ़े लिखे लोग बैठे, जे किसी बंदे ने बैंक लुट ली, 80 लाख रुपये का डाका मार लिया बैंक च, ते नाले जांदा जांदा फायरिंग कर गया, 2 सिक्योरिटी गार्ड भी मर गए, चलो जी 2-3 साल बाद उही बंदा वोटां च खड़ा हो गया, विरोधी पार्टियां ने उहदे विरुद्ध प्रचार किया भी तो उही है जिन्हें बैंक लुट्टी सी, नाले 2 बंदे मारे सी, इहनू वोटां ना पायो, इहदा लुटेरा है तां डाकू है। लोग कहिंदे हाँ यार उही है, लोगों ने वह हराता, तो यह मतलब बंदा कहे ओके मैं तो सज़ा मिल गई, हूँ मैं माफ़ जी, वो डाका भी माफ़, कतल भी माफ़ है, भी मैं तो सज़ा मिल गई, लोगों ने हराता, ये किड़ा फतवा ले लिया जी। नहीं जे तुसी इलेक्शन च हार गए यदा मतलब थोड़े सारे गुनाह माफ, आ क्यासियां दे एग्रीमेंटा का की करिए असी, फिर ये थोड़ी है कि जी हार गए हूँ भुल जाओ, जो स्यापे तो इन्ना नहीं पाए हुए ने सारे, यही तो हारे ने मूहरे उत्थे हुण सुप्रीम कोर्ट च। अगे चलते हैं जी, राष्ट्रपति राज सीगा पंजाब च, राजीव लौंगोवाल समझौते तो बाद बादल साहब जेल च सीगे, उदों भी चिट्ठियां लिखते रहे ने इंडिया गवर्नमेंट नूं कि छेती छेती बना लोगा SYL, मौका हुण क्योंकि जेल च फैसिलिटियां वगैरह लैनियां हुंदियां ने। सो पाणियां दे मुद्दे नूं कदे भी सरकारां ने उठाया नहीं, आपस दे विच इकट्ठे रहे। उस तो अगे चलते हैं, राष्ट्रपति राज खत्म हो गया, अपने बाकी जिहड़ा डिटेल दे विच बहुत सारे पॉइंट ने वो असी आ छापिया, यह पंजाबी ते अंग्रेजी च है, जाते हुए बाहर स्टॉल तो लै जाओ फ्री मिलेगा, ये सारे कच्चे चिट्ठे ने जिन्हां दे। उस तो बाद सुरजीत सिंह बरनाला बन गए जी, 85 तो 87 तक बरनाला साहब ने भी फिर चिट्ठी लिखी, कहना यकीनी मैं बढ़ा कि कर देंगे आप नहर का काम पूरा कर देंगे। इस करके मतलब अकाली दल वालों कदे भी इस नहर का विरोध नहीं किया गया, कागजाँ तो बिल्कुल ही नहीं किया गया, बाहर भावें जो मर्जी कही जाना, जो आप चलीए इनू पूर्ण चलीए इनू आ कर लाँगे, आ जमीन मोड़ दें आ कर दें, बाद जो मर्जी करी जाए। नैक्सट उस तो बाद जे 2002 तो पहल ये समझौते खत्म कर देंगे ना तो अज वाला स्यापा नहीं पैना सी, क्योंकि अज वाला स्यापा शुरू है 2004 तो, 2002 तो पहल जे कि सारे एग्रीमेंट टर्मीनेट कर देंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाना सी, पर नहीं किते। फिर मैं एक होर थोनों गल दसदा, 3 बारी यहोजे मौके आए
जदों एस वाई एल का हल आसानी नाल निकल सकता सी क्योंकि तिन्ने जगह पर इक्को पार्टी की सरकार सी, सेंटर हरियाणा ते पंजाब। पहला चांस आया इंदिरा गांधी भजन लाल दरबारा सिंह, दूजा चांस आया मनमोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह हुड्डा कैप्टन इको पार्टी, तीजा चांस आया 14 च नरेंद्र मोदी खट्टर, 15 च खट्टर बन गया सी, 15 तो 17 तक रहा आप अकाली दल भी रहा, सुरेंद्र मोदी खट्टर ते प्रकाश सिंह बादल, तिन्ने जगह पर इको पार्टी सरकार सी। जे कितने इन्ने ही दिलों चाहते होंगे ना ये तीनों पार्टियां बह के गल कर लेंदी, किसी ने कोई विरोध नहीं करना सी, ये मसला उत्थे हल हो सकता सी, पर इन्हां ने कोशिश नहीं की, इन्होंने इनू लटका के रखे। सो 2004 का जिहड़ा एक्ट है उहदे च एक्ट लिआंदा जी पाणियां दा राखा, जदों कहण लग गए सी ना कैप्टन साहब नूं, एक्ट लिआंदा विधानसभा च कि असी सारा वाटर जिहड़ा साडा रेगुलेशन जिहड़ा वाटर एक्ट है साडा उहनूं असी टर्मीनेट करदे आं, विधानसभा चों पास करा के बल्ले बल्ले पाणियां दा राखा, उहदे लागे पोस्टर सारे चांदी दी कही आ ना, पाणियां दा राखा बन गया। हरियाणे च इलैक्शन सी, डेढ़ दो महीने बाद पहली गल तो गाणा पईआं भी आ की कर लिया, वो कहिंदे मैं तां जी पंजाब च फिर मैं तां ही करूँ, मैं तां मैनूं पंजाब च लोक वड़न नहीं दिंदे पिंडां च। उन्होंने की कीता आपदी सरकार दा एक्ट ही मनमोहन सिंह सरकार ने सेंटर तो राष्ट्रपति कोल भेजता, जे किते ना भेजदे अज वाला स्यापा नहीं पैणा सी, आपदी सरकार दा पास कीता होया एक्ट राष्ट्रपति कोल भेजता सलाह लैण लई, राष्ट्रपति ने सलाह लैण वास्ते सुप्रीम कोर्ट च भेजता, सुप्रीम कोर्ट नूं जी 18 साल लग गए ये सलाह देण नूं, कहिंदे बह के गल कर लो दोनों सूबे, फिर बहन लग गए जी, फिर उस सिरते च बहने होना, कदे खट्टर मैनू बुला लैंदा कदे मैं खट्टर नूं बुला लैना, चलो हुण उस तो बाद की होया 2002 2004 2016 तीन फैसले होए ने, किसे फैसले का इन्होंने विरोध नहीं किया अकाली दल ने कांग्रेस ने। सो ये सुप्रीम कोर्ट वाले पास तो जाते ही नहीं है क्योंकि उत्थे इन्होंने लिख के दिते हुए ने सारे समान। अगे आ जाओ, जदों आम आदमी पार्टी सरकार आई तीन बारी सुप्रीम कोर्ट जाना पिया, 6/9/22 फिर 23/23/23 तो फिर 4/10/23 आ होनी। असी कोई हलफनामा नहीं दायर किया और गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के जल शक्ति मंत्री ने पानिया बारे में मेरी मीटिंग हुई सीएम खट्टर साहब उन्होंने अफसर पंजाब सरकार वालों मैं गया सी साढ़े अफसर, क्योंकि जेड़ी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वह ये लिखा हुआ है जाता फैसला आपस कर लो नहीं कोई अल्टरनेटिव दसो। मैं कहा जी साढ़े को पानी है नहीं, जो चीज़ साढ़े को है ही नहीं दे किवें दईए, वो कहिंदे जी अल्टरनेटिव दसो, फिर अल्टरनेटिव दसो, मैं अल्टरनेटिव लैके गया सी, ये उही दस सकदा अल्टरनेटिव जिन्हें खेतों च नक्के मोड़े होण, जिन्हें खाल की राखी की होवे, जिन्हों पानी की बूंद बूंद का पता होवे, जिदा खाल मरन नाल कन्नी वाला कैरा सुक्का रह जाए पानी का उही दस सकदा मुल। मैं कहा जी इहनूं इस इहदा हल इहदे नां च ही है, कहिंदे की, मैं कहा एस वाई एल की जगह पर इहनूं वाई एस एल कर दो, कहिंदे ये क्या होता है, मैं कहा जी यमुना सतलुज लिंक करो, सतलुज यमुना ना करो, सतलुज कित्थे पानी, आ सतलुज के किनारे बैठे हैं आपां, किसी पासे सतलुज दरिया लगता है, एक नाला बन गया उहदा छोटा जिहा, मैं कहा यमुना यूपी बंगाल बंगलादेश तक डोब दिंदी है जी, इन्ना हड़ आउंदा है, मैं कहा यमुना तो कढ़ो बाया करनाल जिन्ना मर्जी पानी हरियाणे नूं दिंदे होए जिहड़ा बच गया साढ़े सतलुज पा दिओ, एस वाई एल की बजाय वाई एस एल कर दो, यमुना शारदा बना रहे हो तो यमुना करनाल क्यों नहीं हो सकती, अजकल तो कोई ग्रैविटी का भी चक्कर नहीं, चंद ते नहरां कढ़न नूं फिरदे आ, कोई इदां दा भी चक्कर नहीं भी ग्रैविटी इधर नहीं जाती नहर इधर नहीं जाती, अजकल तो सारा कुछ है,
फिर मैं दस्या YSL, सो मेरे को हल अज भी यही है, मैं YSL ते खड़ा, यमुना चो पानी लवे हरियाणा। और हरियाणा की है, जिस वेले नहीं बने सी, अज 1 नवंबर है, जिस वेले पंजाब ते हरियाणा कट्ठे सी, कहिंदे पंजाब ही सी, उस वेले पंजाब यमुना दा रिपेरियन सी, क्योंकि यमुना पंजाब दे नाल लगदी सी, यमुना चो पंजाब दा हिस्सा बनदा सी। जदों लग हो गए, कहिंदे यमुना कल्ले हरियाणे दी रह गई बस, ते इधरों सतलुज ते रावी चो साडा हिस्सा मंगदे ने, किसे पासे कोई कोना लगदा नाल उहनां दे, कहिंदे ना इधरों ही दिओ। एक होर गल हुई फिर इस बार, क्योंकि मैं बहुत कीनली सबजैक्ट ते काम करदा, जे मैनू कोई जिम्मेवारी ते बिठाया लोगों ने, यह नहीं हैगा कि मैं उत्थे चलो जी मुख्यमंत्री बन गए हुण वेले आ, मैं कहना चलो जी लोगों ने जिम्मेवारी देते हैं, लोग वेले ने, हुण आपां काम करना है। जदों ये कहिंदे भी सतलुज तो पानी लैना है, असीं मैं कहा भी है ही नहीं, यमुना तो क्यों नहीं लेंदे, क्योंकि उस वेले यमुना नाल पेरियन सीज करके कहिंदे भी उधरों तो असीं लै लांगे, लै भी लिया उन्होंने पानी हरियाणे ने यमुना च, थोड़ा बहुत 3.1 MAF लै लिया उन्होंने, पर साढ़े कोल होर बहुत सारे चैनल ने जिन्हें राही हरियाणे नूं पानी जांदा है, जिमें मतलब एक जगह ऐसी है जिथे पंजाब का पानी पहला हरियाणे नूं जांदा, हरियाणे नूं कहा होया है कि तू सरदूलगढ़ ते मानसा के पिंडां नूं देना है, क्योंकि बिच हरियाणा आ जाता है, उन्होंने समझौता है 400 क्यूसिक, कदे नहीं मंगया किसी ने, वो अई आप ही लई जांदे सी। इस बार असीं उन्हां नूं कहा कि साडा जिहड़ा तुहाडे विच दी लंघदा है साडा उहो, तो तुसीं दिंदे क्यों नहीं, मानसा ते सरदूलगढ़ दे पिंडां नूं ऐतकी पानी मिलिया जनाब, इहदे बारे किसी ने सोचा ही नहीं। सो फिर की कीता असी, एक ऐत की बहुत जो हड़ आए ना, बहुत हड़ आए पंजाब च, मैं अपने सैकटरी इरीगेशन कृष्ण कुमार जी ने कहा कि जी राजस्थान ना गल करो, जिन्ना उन्होंने पानी बनता उन्होंने दे दो। राजस्थान ने गल की थी, पानी छड़न लगे हाँ, थोड़ा 18,000 क्यूसिक तो इस ही लेने तुम सरहद फीडर चो, सो थोड़े हिस्से का पानी देन लगे हाँ। वो कहते ना ना जी सानू नहीं चाहिए, असी कहा जी साढ़े को पानी हैगा उपरों आ गया साढ़े को, तुम पानी लो। कहते ना असी तो लेना नहीं। मैं फिर कृष्ण कुमार जी ने कहा कि लिखती लो उन्होंने कितना चाहिए। फिर हरियाणे नूं कहा, हरियाणे नूं कहा कि तुसी अब तुहाडे हिस्से का, एक मिनट आयो जी, भी तुहाडे हिस्से का पानी तुसी लै लो अज। कहते ना जी सानू भी नहीं चाहिए, असी कहा लिखती दे दो। आह, दो लैटर ने, एक हरियाणा सरकार वालों, एक राजस्थान सरकार वालों, जिदे विच हरियाणा सरकार कह, राजस्थान सरकार कह रही है 2000 बनता 18,000 तो उपर है। कहते सानू 2000 क्यूसिक चाहिए, अस क्या लिख के दे दो, ले लिया। वो कहते सानू 6000 चाहिए, अस क्या लिख के दे दो, ले लिया। आ उन्हां दी चिट्ठियां ने हुण सुप्रीम कोर्ट च देवांगे कि जनाब असी डुबण वास्ते रखे हुए हैं यार, जो साढ़े कोले पानी आ गया तुसी आ जवाब दे देने हो, साढ़े कोले पानी आ गया तुसी जवाब दे देने हो, सानू तां हुण इन्ना ही चाहिए। जो सानू पानी चाहिए होंगे उदों दुध वाले दोजी वांगू ऐ मीटर ला के बह जाने भी इन्ना आ रहा जां इन्ना नहीं आ रहा। एम आई राइट, सही कहा ना? आ भैया ने चिट्ठियां हुण हुण अगली मीटिंग च फड़ाऊंगा ये खट्टर होरां नूं, ब्याह लो जी तुसी तां 2000 मंगिया, जदों असी साढ़े कोले पानी है असी फिर डुबण वास्ते रखे हुए हैं। यही गल मैं हिमाचल नूं कही, वो कहिंदे वो आपदा कढ़ी फिरदे कोई, कहिंदे 7.19 साडा भी हिस्सा बनता है। मैं उन्होंने फोन किया, कांग्रेस का ही है वो भी मुख्यमंत्री, मैं क्या आपदा रोक लो हुण, हाँ तुसीं 7.19 रोक लो अपना, हद है यार, मरन वास्ते चारे पास्यों असी रखे हुए हैं,
ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲਦਾ ਯਾਰ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ 500 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਆਪੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂਹੀਓ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਜੇ, ਆਉਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, PAU 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਲੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਕਢਾ ਲਈਆਂ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਈਏ ਹੁਣ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 3/11/18 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। 3/11/18 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, 4 ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 2700 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 15/6/22 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ 19 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ 2700 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1800 ਤੋਂ 2500 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ 1160 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਟ ਕਿਵੇਂ ਲਏ? ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 31-31 ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਮ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਨਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰੂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ? ਜੁਝਾਰ ਦੇ 5, ਔਰਬਿਟ ਦੇ 19, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ 34, ਨਿਊ ਦੀਪ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ 7, ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ 9, ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੀ 20-22। ਆ 42 ਮਤਲਬ 96 ਰੂਟ ਲੈ ਲਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜੁਝਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਔਰਬਿਟ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 39 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦੇ, 42 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਗਲਤ ਰੂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਖਾ ਗਏ ਰਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 2006 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ,
2000 मतलब कैप्टन वाली सरकार च बने, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं दस सकता जी, उदों ज़्यादा बने जदों जनाब PWD मिनिस्टर सी बाजवा साहब। सब तो पहला इन्हां ने अपने जिहड़े आपके इलाके के लोगों के जिन्होंने वोटा वोटा पा के जिताया, सब तो पहला तोहफा उन्होंने उन्होंने दिता जीर अपने इतों कुराली तो लैके दसूए तक 4-5 टोल प्लाजे, जे स्विफ्ट कार से आने 600 रुपये की तेल लगता चंडीगढ़, 600 रुपये वो लगता टोल प्लाजा, और 25-25 साल की एग्रीमेंट कर ले जनाब। जो असी एग्रीमेंट पढ़े ये तो एग्रीमेंट इन्ने ब्रीचेज ने एग्रीमेंट च कि 2012 च बंद हो सकता सी, 2018 च बंद हो सकता सी। सानू फिर आया उन्होंने कि साढ़े जी ये जो टोल प्लाजे वाले ना ये बहुत इस गलों तेज ने, ये ऐ नहीं कहें साडा 1.5 साल बता दो जी, ये कहें नहीं 432 दिन बता दो जी, दिन लिखते हैं आप लगता 432 की है, होंदा 1.5 साल है वो। असं क्यों बधाईए, कहते जी किसान अंदोलन, मैं क्या मोदी ने गल करो वो कानून असी थोड़ी बधाए बनाए सी, कहते जी करोना करके सानू घाटा है, मैं करोना करके कल कला थोड़े तो करोना आया सी, सारी दुनिया का घाटा पिया उदो, वो एक्ट ऑफ गॉड से असी बधाते आप चक्को पोरी बिस्तरा, नहीं तो कल FIR करांगे। असी हुण तक 14 टोल प्लाजे बंद कर चुके, तुसीं किसी ना किसी टोल प्लाजे तो लंघ के आए होंगे जिहड़ा बंद पिया, माघे पुराने वाला बंद करता, इधरों अपने वो फिरोजपुर तो जलालाबाद वाला भी बंद हो गया, इधर जिहड़े बलाचौर कोले सी वो भी बंद हो गए। सो है जी पहीड़ वाला बंद हो गया, अगे संगरूर धूरी वाला बंद हो गया। सो कारण की है, बंदे ये पहला भी हो सकते सी, पर उही तो गल फिर टोल प्लाजे मूँह मिलाजे वो रखे हुए सी, इतों लुट्टिया जी फिर पंजाबी, क्योंकि आप पूछते हैं भाई जी किन्ना चिर चलूगा ये। मैं पार्लीमेंट भी गल उठाई सी कि जे लोगों ने सड़क तो ही रेंट जी सड़क है वो रेंट पर ही लेनी है, सड़क किराए पर ही लें आप 180 रुपये 24 घंटे देती उन्होंने, जे असी सड़क किराए पर ही लेनिया ने फिर जो असी गड्डियां खरीदते हैं उदो 8-9% रोड टैक्स वो कि सड़कों का होंगे, फिर सानू ये दसो कोई सड़क हैगी जी बिना टोल प्लाजे तो है, घेर घेर लिया घेर घेर इधर द आओ आ टोल प्लाजा जोड़ा इतने लाडोवाल वाला ये पहला सान वाल हों, टोल प्लाजे की जगह शिफ्ट नहीं हो सकती, क्यों किया भी इतने लिया के क्योंकि घेर के लिया सतलुज के पुल से लाया लोग कितने नहीं जा सकते होर इधर उधर की घेर लो। हाँ मेरी मेरी हिट लिस्ट ही है, जिथे जिथे एग्रीमेंट ब्रीच हो गया ना उत्थे नहीं छड़दे आप, हालांकि MP MLA जा मंत्रियों तो टोल लगता नहीं, फिर मैनू कहदा दर्द हुंदा, पर मैनू पता है कि जे मैं पंजाब के खजाने दे कंट्रोल करके मैनू बिठाता लोगों ने तो मेरा फर्ज बनता है कि एक एक रुपया भी बचावा तो बूंद बूंद ना समुंदर भर जाता, एक रुपया बचा के पंजाब के खजाने पावा। अरविंद केजरीवाल जी ने जो पार्टी बनाई सी उदो यही कहा सीगा कि राजनीति करने नहीं राजनीति सिखाने आए हैं, इन्होंने हम दसांगे असी कि की हुंदा है। हुण इको कही जांदा है वो कहिंदा मैं तो केजरीवाल नाल डिबेट करूँ, यार नैशनल पार्टी है वो नैशनल कन्वीनर ने साडे उन्होंने डिबेट करन दी पंजाब दे मुद्दे ते पंजाब नाल गल करो ना। अज सवेरे मैं देखा सी कहिंदे अकाली दल ने हजे पत्ते नहीं खोले, मैं दो तो पत्ते ने एक दाखे वाला है एक मजीठे वाला, वो तो पत्ते ही है नहीं पत्ते नहीं खोले, कहते उन्होंने भी इतने आना है या नहीं, ये तो शुक्र करो मैं पार्टी के प्रधान के तौर पर बुला लिया, नहीं यह जी डिबेटा जहे बंदे थोड़ी बुलाई देंगे। जिन्होंने कुछ पता ही ना हो, जिन्होंने ये ना पता हो बोल की रहे हैं की होर, जिन्होंने ये ना पता हो घनौर फरीदकोट चाह पटियाले है उन्होंने तो की उम्मीद करिए, चलो प्रधान है हम बुला पै गया। आओ जी हूँ आप आने फाइनांस, बहुत सीरीयस मुद्दा बहुत ही सीरीयस, पंजाब का खजाना कर्जा
जे आपां ला लीए भी 1997 तो ला लैंदे आ तां 13,000 करोड़ सी, 2002 च 34,000 करोड़ सी, कम वध्या जी 2012 च, 2012 तो 22 हाँ 2012 च 83,000 करोड़ कर्जा सी, अकाली दल की सरकार सी, 2017 च अचानक 1,82,000 हो गया जी, 1,00,000 करोड़ के लगभग 5 साल कैप्टन आ गया, तो बाद 17 च 1,82 तो कैप्टन ने 2,81 करता जी, लगभग 1,00,000 होर मारिया चक्के, जानी के एक कटने और उन्होंने कटने और उन्होंने 10 साल 2,00,000 करोड़ का कर्जा पंजाब के सिर चढ़ गया। असी सारा पता किया ना तो इस टनेर दौरान 10 साल कोई नव कॉलेज बने है सरकारी, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी है सरकारी, सड़क प्राइवेट कंपनिया ने बनाई ने, ना कोई नौकरियां दतिया गई, ना कुछ कोई इस तरह का रोज़गार दिता गया भी जिसे पैसा खर्च हो, ना कोई यह जहा कोई वित्तीय प्रोग्राम बनाया गया कि लंबे समय का खर्चा इस करके अपन हूँ एक बार पैसे ला दिए बाद पे बैक करूँगा, तो फिर 2,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा कितने गया जी? कि उस वेले इन 10 साल किसी गवर्नर ने चिट्ठी नहीं कढ़ी कि कर्जा किन्ना है जी, क्यों लिया जी? एक बारी अकाली दल विरोधी पार्टी सी 2017 तो 22 तक, तो एक बारी कांग्रेस विरोधी पार्टी सी 2012 तो 17 तक, कि यह विरोधी पार्टी के तौर पर कदे राजपाल को मेमोरेंडम लेके नहीं गए जिवें हुण तीजे दिन जाते हैं भगवंत मान तो पुछो कर्जा किन्ना लिया है, क्यों लिया है? मैं इतों पूछया आ मेरे वाला भी हिसाब देख लियो, हुण 3-13 है, जिहड़ा जिहड़ा 37,000-38,000 करोड़ लैना पिया कादे वास्ते? 27,000 करोड़ रुपये तो इन्हों का जिहड़ा विरसे च कर्जा मिले मैं उहदी किश्त मोड़ दें जी। फिर असी बिजली की सबसिडी, सारी बिजली बोर्ड इतों बैठे ने बल सरां साहब बिजली बोर्ड के CMD ने 1 रुपया भी बिजली बोर्ड का देना जी पंजाब सरकार ने, है जी सारी सबसिडी थानू मिल गई, लोगों नू असी फ्री देईए जिवें मर्जी, तुहानू तां नहीं घाटा ना, बस एक उही कही जांदे रहिंदे ने, बल्कि इन्हां दा तां दित्ता ही दित्ता जिहड़ा सबसिडी दा, चाहे वह खेतों वाली बिजली है चाहे घर वाली है, जिहदे बिजली दे बिल तुहानू फ्री जीरो आउंदे ने, नाल नाल जिहड़ा विरसे च मिलिया मैनू, हुंदा नहीं भी फलाने का बापू यार शोरूम छड गया, फलाने का बापू यार 4-5 गड्डियां छड गया, प्लाट भी ने, तो जे मैनू पुछोगे मैनू तो जी साडे वाले कर्जा छड गए जी, 9,000 करोड़ का तो कल्ला बिजली बोर्ड दे छड गए जी, वो 9,000 करोड़ भी मैं क्या दूंगा मैं, कोई गल नहीं उन्होंने गलतियां कीतियां ने, 1,804 करोड़ दियां ब्याज समेत 1,804 करोड़ दियां 5 किश्तां बनाईयां ने, पहली किश्त मैं दे चुकी हूँ, दूजी भी बस आने वाली है, वो भी पुराने कंटे भी जिहड़े बीजे हुए ने वह भी चुक रहे हैं जी। दुख इस गल का नहीं कि इन्होंने नहरां लुट्टियां, ट्रांसपोर्टां लुट्टियां, खजाना लुट्टिया, दुख इस गल का है एक लोहे दी ते सोने की दुकान बाजार के आमो सामने सी, एक दिन लोहे ने सोने नू कहा गलबात करन लई बुला लिया, तो सोना कहिंदा लोहे नू कहिंदा यार थौड़ा तेरे भी बजदा है थौड़ा मेरे भी बजदा है, पर कहिंदा कदे मेरी आवाज़ आउंदी देखी है? सोना कहिंदा तेरे कहिंदा एक थौड़ा बजदा सारे बाजार च पता लग जांदा यार, इन्ना रौला क्यों पाउणा तूं यार? तो लोहा कहिंदा पक्की गल है मित्रा, तू सोना है मैं लोहा, थौड़े अपने दोनों के पेंदे ने, पर तेरे थौड़ा लोहे का पेंदा है, लोहा तेरे वास्ते शरीक है, बगाना है, बगाना का काम ही कुटना हुंदा है, कुट लैन तेन दुख घट हुंदा है, मैनू दुख इस गल दा है मैनू मेरे अपने कुटदे ने, थौड़ा भी लोहे दा ही हुंदा है, अज पंजाब नू दुख इस गल दा है सानू साडे अपणियां ने लुट्टिया, बाहरलियां तां कोई गल नहीं, उह तां आए ही लुट्टण सी, उह अंग्रेज तां आए ही लुट्टण सी, लुट के चले गए, आ जिहड़े आ अपने वाले आ गए इन्हां दा दुख है जी। इस करके जदों आ फाइनांस दिखाता 2011-12 तो लैके कर्जा तो नाल मुक वित्त मंत्री वो आ गया जिन्हें कदे कहे ही नहीं भी
खजाने च कुछ हैगा, खाली खजाना खाली खजाना। नौजवान मुंडे कुड़ियां जिहड़े उस वेले अपना भविख तलाशदे होणगे, उन्हां दे दिल ते की असर पिया होगा जी कि यार खजाना खाली कही जांदा, कर्जा चढ़ी जांदा, नौकरी कोई निकली नहीं इन्ने सालों तो चलो चलीए। इत्थों फिर अपना ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो गया जी, इत्थों आपां आईलेट्स करके बाहर नूं जाण लग गए, इत्थों फिर आपां मालवे वाले भी पासपोर्ट बनाउण लग गए कि बनाओ जी पासपोर्ट, हुण कितें होर चलीए आपां इस धरती नूं छड्ड के, क्योंकि इत्थे तां इह ऐं चलूगा, क्योंकि पाँच पाँच साल दीआं बारियां सी, बारियां टुट्टण दी कोई उम्मीद नहीं सी। सो इस तों बाद जे उन्हां नाल तुलना करिए असीं हुण साडा जिहड़ा किन्ना वधिया, मैं परसेंटेज वाइज दस देना तुहानूं, एक्साइज च किन्ना वधिया। ये नहीं हैगा कि असीं बिजली फ्री देती जा असीं किसानां नूं बिजली फ्री दे रहे हां जा मुहल्ला क्लीनिक खोल रहे हां ते उत्थे जिहड़ा इलाज फ्री है, दवाइयां फ्री ने, असीं अपना खजाना भी देख रहे हां नाल। मैं दिखाउणा तुहानूं इत्थे आ जाऊगा किन्ने परसेंट एक्साइज GST दिखा दो जी, कि आ रहे जी परसेंट वाइज कहना मैं, देखो तीन चार तरीके होंगे ने गवर्नमेंट को, GST जिहड़ी है असी 16% तो अप कर ली, आपदे जिहड़े टैक्स होंदे ने होर 37% वो अप कर ले एक्साइज दे आबकारी, 27.8 साढ़े स्टाम्प ते रजिस्ट्रेशन अप हो गई, गड्डिया दे जिहड़े हुंदे रजिस्ट्रेशन दे 13% वो अप हो गई। इस वक्त साडा जिहड़ा खजाना है वो इस काबिल हैगा कि कल नूं मैं जे 5000 नौकरियां होर कढ़दा तां मैं तनखाह दे सकदा उन्हां बेरोजगारां नूं। नैक्सट, रोज़गार ते चलदे हां, रोज़गार ते रोज़गार तो याद आ गया, तुसीं हैरान हो जाओगे कि 25 साल दो बंदियां दा राज रहा है, 1997 तो 2022 तक दो बंदियां दा, 15 साल एक दा, 10 साल एक दा, जिन्नी अज तो 20 साल पहला पुलिस सी पंजाब कोले 80,000 तो थोड़ा जिहा उपर सी, जदों असी संभालिया पंजाब दा राजभाग 19 उदों सी जी, 25 सालां च कोई भर्ती नहीं कीती, सिर्फ वोटां वेले कहिंदे सी जिन्ने क टायर होए ने भर्ती कर लांगे, चलो बस, जिन्ने पटवारी सी उन्ने ही, टीचर घट गए सरकारी टीचर, ये नहीं हैगा सी टीचर है नहीं, स्कूलों टीचर है नहीं सके, स्कूल के सामने जी टैंकी है वह फुल होंगी सी टीचर नाल, नौकरियां दित्तियां। इस बार असी सरकारी नौकरियां 37,946 के नेड़े तेड़े सरकारी नौकरियां दे चुके हैं जी, पटवारी भी ने, सब इंस्पैक्टर भी ने, SDO भी ने, कलर्क भी ने, पुलिस के बिच भी ने। असी थोड़ा जा इहदा हजे ये साडे स्पीड स्लो है, स्लो क्यों है, माणयोग हाई कोर्ट दे बहुत सारे केस पेंडिंग पए ने, इन्होंने की कीता जांदियां जांदियां ने कढ़तियां नौकरियां दे गए नियुक्ति पत्र, सरकार बदली इन्हें कोई हो PIL आ गई, कोर्ट ने रोकता सारा, कहे ना तुसी कर नहीं सकते। फिर सानू पहला क्लीयरेंस लेनी पैंदी है, मैं नहीं चाहुंदा मैं किसी साढ़े पंजाब के नौजवान मुंडे कुड़ियों मैं नौकरियां देने जावां, अज मैं नौकरियां वंड समारोह करदा कल नूं हो कचहरियां च फिरदे होण वकीलां दीआं फीसां भरदे, असी पहलां क्लीयर करदे हां, ये असी पहलां गल क्लीयर करदे हां कि कोई इहदे ते PIL जां कोई ते कोई माणयोग हाई कोर्ट दा तां कोई डिचण नहीं हैगी ना, सारा क्लीयर करके फिर भावें 242 क्लीयर हो जाण, असी 242 नूं भी नियुक्ति पत्र दे दिंदे हां कि लग जा के अपना काम करो, जा के अपना कुर्सियां ते बैठो। सो हुण आ जाने आपां, कुछ व्यापारी भरा बैठे होने, इनवैसट पंजाब दा साडा जिहड़ा सीगा, मैं सारे देश च गया, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, मैं सारे बड़े बड़े जिहड़े प्लेयर ने उन्हां नूं मिलिया, मैं
ਤੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 56,700 ਤੋਂ ਵੱਧ 56,700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ MOU ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਗੈਸਟ ਆਫਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਨਾਥਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਫਰੈਡਨਬਰਗ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੈਡਨਬਰਗ। ਬਰਵੀਓ ਹੈ ਲਹਿਰੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਗੋਦਰੇਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, JSW ਸਟੀਲ ਕੋਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਸਟੀਲ ਕੋਟਿੰਗ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ, ਰੋਇਲ ਡੀ ਹਾਊਸ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 50,000-57,000 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,98,000 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ MSME ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ MSME ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉੱਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ MSME 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 1,79,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਇਹ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 2 ਜਾਂ 4 ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ MOU ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ MOU ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ MOU ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੈਚਅਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਭੇ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਚਅਪ ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਟਮਾਟਰ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦੱਸੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਗੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਭੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਚੰਨੋ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 550 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਫਸਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਲਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ 3 ਦੀਆਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੈਚਅਪ ਵਾਸਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚੂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੂ, ਨਾਲੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚੂ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਚੂ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ MLA ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ 3-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਕਬ ਟਾਈਮ ਦੇਤੇ ਹੋ? ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੋਂ 3-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਤੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 37 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ TV 'ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪੜੋਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ
शोहरतां दी दौलतां दी लोड़ नहीं। पात्र साहब का शेर है, मैं तुरदा नहीं, मैं राहां ते तुरदा नहीं, मैं तुरदा हाँ तां राह बन दे, युगां युगां दे आउंदे काफले इस गल दा गवाह बन दे। हमेशा सोचिया बनीए लोकां दे प्यार दे पात्र, कदे भी नहीं सोचिया आओ बन दे जां आ बन दे। ये आनिया जानियां ने, यह आनिया जानियां चीज़ां ने। जे कोई चार काम कर जाओगे लोग याद रख लेंगे, नहीं तो बड़े आए तो बड़े चले गए इतने। सो आ ताइयों याद करी जाने अज उन्होंने आपां, जे कुछ अज का काम किया हों सानू तो लोड़ ही नहीं पैनी सी आम आदमी पार्टी बनाउण दी। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर सी, IRS अफसर, इनकम टैक्स का कमिश्नर, इनकम टैक्स के दफ्तर का कहिंदे 84 नहीं माण कला, वो भी बोरियां भर के लिजा सकता है पैसों दियाँ, वो कमिश्नर सी। साढ़े मनीष सिसोदिया वो पत्रकार से बहुत व्डे, मैं कलाकार सी, कोई वकील सी, सानू की लोड़ सी इत्थे आउण दी जे चज दे निकले आउंदे आ करतूतां करके सानू लोकां ने कहा भी आ जाओ। हुण फिर साडा तां फर्ज बणदा ना कि इन्हां दीआं इह करतूतां लोकां दे सामणे तां रखीए, इह तां असीं तां ना लुकोईए ना। चलो वो तां लुकाउंदे रहे, वो तां लुकाउंदे रहे, असीं तां ना लुकोईए ना, असीं पंजाब नूं अगे लैके जाणा। ठीक है जो इन्हां ने करता कोई गल नहीं, पंजाब बहुत वारी डिग्गिया है पर पंजाब बहुत वारी उठ्या भी तां हैगा, उठूगा पंजाब। आपां फ्यूचर दा विजन मैं तुहानूं दे रहा कि फ्यूचर च आपां की करना। मैं जदों जांदा सी लोकां च, जिहड़े पिंड स्कूल पंजवीं दा उह कहिंदे अठवीं दा कर दो, जिहड़े पिंड अठवीं दा उह कहिंदे दसवीं दा कर दो, जिहड़े पिंड दसवीं दा उह कहिंदे बारहवीं दा कर दो। हालांकि आले दुआले 4-4, 5-5 किलोमीटर ते ही स्कूल हैगे सीगे। मैं वेखदा कट्टिया, मैं पुछया, मैं कहा बेबे क्यों, आ नाल तां स्कूल है, उत्थों पता लग्गिया। अठवीं क्लास दा खास तौर पर जदों स्कूल जांदे ने बच्चे, खास तौर पर कुड़ियाँ, एक पिंड तो दूजे पिंड तक, तो जाण नूं कोई साधन है नहीं सरकारी स्कूल च। कुड़ियाँ बसां दे जाल दे पिछे लम के जां ट्रालियां दे डालियां दे पिछे लम के जांदियां ने, जां किसे अजनबी तो राइड लैनी पैंदी है। तो अज कल युग दे जमाने च यकीन नहीं किया जा सकता। सो बहुत सारिया इंटैलीजेंट कुड़ियां नूं मापे इस करके पढ़न तो हटा लैंदे ने कि सानू एजुकेशन नालों इज्जत प्यारी है। असीं कहा भी इहदा हल की कढ़ीए, फिर मैं बैठे अफसरां नाल हल कढ़िया कि आपां इह करदे आं, प्राइवेट स्कूलां वांगू सरकारी स्कूलों नूं भी बसां दे दिंदे आं। सरकारी स्कूल नूं इह कह दांगे प्रिंसीपल साहब कर लैण कि तुहानूं 6 बसां चाहीदियां, तुहाडे कोल किन्ने पिंडां दे बच्चे आउंदे आ। आम तौर पर 6वीं तक तां पिंड च हुंदे ही है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं नूं 1 घंटा पहलां छुट्टी कर लिया करो। वो बसां जिहड़ियां ने उहनां नूं घरें छड्डिया होया करनगियां, आ के तुसीं 9वीं, 10वीं, 12वीं वालिआं नूं कर लो, वो बसां उन्हां नूं छड्डिया होणगियां। GPS बस ते लग्गिया होगा, हरेक पेरेंट्स दे फोन दे विच उहदा एक्सैस होगा, उहनां नूं पता लग जूगा कि कित्थे जे आ गई बस, वो अपने बच्चे नूं उत्थों बस स्टैंड तों जित्थों चक लै। 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध करता हुण तक, सिर्फ किन्ना 21-22 करोड़ रुपया लग्गिया। सरकारां वास्ते की हुंदा है 20,000 बच्चा जी, जो 13,000 कुड़ियां ने 7,000 मुंडे ने, कि तुसीं स्कूल ना छड्डो, तुसीं इस करके ड्रॉप आउट रेट ना घटे कि जाण नूं साधन है नहीं सीगा। साढ़े फिर असी टीचरां नूं सिंगापुर भेजिया, ट्रेनिंग सेंटर उत्थे हैगे ने ताकि पढ़ाई दे नवें तरीके सीख के आउण। ये विजन है, मैं हुण फ्यूचर की गल कर रहा, पास्ट तां है नहीं, हुण फ्यूचर की गल कर रहे, प्रेजेंट की गल कर रहे। फिर अहमदाबाद IIM उत्थे असी हैडमास्टर भेजे अपने, पढ़ के आए, और पहली बार होया कि देश दे 35 सरकारी स्कूल दे बच्चे Chandrayaan-3 दी लाइव उड़ान देखण गए हुए सी श्री हरिकोटा, उत्थे गए सी बच्चे। और वो जो 35 चों 5-7 ने आके मैनू कहा करें बुला ले, मैं चाहते कहिंदे जी कनेडा अमरीका जाण दा प्रोग्राम सी हुण कैंसल करता सी, जे सानू इस तरह की पढ़ाई मिलेगी, इस तरह के प्रैक्टिकल मिलने। सो जे तुसीं एफर्ट करो तो कुछ भी हो सकता है। मैं चलता हूँ तो सिर्फ मंजिल नज़र आती है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सो मंजिल बच्चों लेके जाना आपां उन्हां मंजिलों तक। सरकारी स्कूलों के बच्चे हुण जिहड़े स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं, शानदार पढ़ाई हो रही है,
बच्चे क्या बिजनेस दे आइडियाज लेके आ रहे ने, आ चीज है जी। साढ़े बच्चों कोई ये नहीं कि टैलेंट की कमी नहीं कितने भी, कि टैलेंट घट है ना, मौके नहीं मिलते, बस अं दबे जाने। टीचर ही होर ने हुण, मैं तो यह कहना प्रधानमंत्री साहब कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन वन फलाना, मैं कहना वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं, उही अमीर दे बच्चे पढ़ाओ, उही गरीब दे बच्चे पढ़ाओ, मैरिट ते जिहड़ा आवे अगे आ जाए। फिर इलाज एक क्यों नहीं है देश च, अमीरां दा इलाज होर है गरीबां दा इलाज ही होर है, मतलब उन्हां दी मौत दा दूत होर है इधर, मौत दा दूत होर है। सन्मान देना शुरू किया फौजियां दे जवानां नूं, 1 करोड़ रुपया जे रब ना करे साडा कोई फौजी जवान पंजाब दा सरहद ते शहीद हुंदा, 1 करोड़ रुपया आप दे के आउंदे जी, 1 करोड़ रुपये दा चैक। पहला इह आ पहला शहीद दी विधवा नूं सिलाई मशीन देंदे हुंदे सी, ऐ मजाक करदे सीगे कि सिलाई मशीन ना कर लूगी वह 1 करोड़ रुपये नाल। मैं नहीं कहिंदा कि उहदी जवान दी जान वापस आ जूगी, पर कबीलदारी तां रुड़दी रहिंदी है ना, चल बच्चे बुच्चे तां पढ़ा लैणगे ना गाहां। सो असी सन्मान देना शुरू किया हो, वह भी साढ़े धियां पुत ने, पुलिस वाले का भी इदा ही है। सो जे तुसी एक होर शुरू कर रहे हैं नवी, तुसी पढ़ लिया होना, पंजाब दे विच मैं पार्लीमेंट च कढ़ाया सी डाटा, उस वेले 14 सी, 14 पर डे मौतां सड़क ते एक्सीडेंट च, 14 नूं ला लो ते तुसी 30 ना गुणा कर लिया, 420 नूं 12 ना करो, 5000 तो प्रबंधा हो गया जी, 5200 बंदा मर जाता जी एक साल च, बाकी जिहड़े रीढ़ की हड्डी टुट गई जां मंजे ते पै गए तो लख ही ने। असी की कीता हुण, एक सड़क सुरक्षा फोर्स बना रहे, नवीं पुलिस बना रहे, और उहदे च जिहड़ा यंग मुंडे कुड़ियां PAP दे विचों लैके हीलिक्स टोयटा की हीलिक्स गड्डी है दुबई की पुलिस कोल हुंदी, वो लैके दित्ती उन्हां नूं 129, तो बड़ी जल्दी तुहानूं सड़कां ते नज़र आउंगी हीलिक्स दे विच सड़क सुरक्षा फोर्स पुलिस, हर 25 किलोमीटर बाद दे रेडियस तुहानूं एक गड्डी मिलेगी सड़क ते, कोई सड़क ते ट्रक खराब हो गया, कोई तूड़ी वाली ट्राली पलट गई, वो गड्डी इन्नी ताकतवर है वो टोचन करके उन्हूं पासे कर दूगी, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस गड्डी दे विच गैस कटर तो लैके फस्ट एड के समान तो लैके सब कुछ है उस गड्डी च, उही 5-7-10-15 मिनट जिहड़े पहलां कढ लिया वो जान बचा सकदे किसी दी। जे असी 50% ते भी आ गए पहले साल, समझ लो 2500-2600 बंदे दी जान बचाती, और स्टेट दे हैड दा स्टेट दे चीफ मिनिस्टर दा इह फर्ज बनदा हुंदा कोई अपने नागरिकां दी जान ते माल दी राखी करे। सो मैं कोई आसान नहीं कर रहा है, मुद्दे आ मेरे को पे ने, तुसी लै जो इन्हां नूं इत्थे धर देंगे, ते बिल्कुल पंजाबी च ते अंग्रेजी च खेडां दी आ गईआं, खेडां दा असी की कीता, आ एशियाई खेडां तों पहलां इस गलिया, कहिंदे जी 70 लाख रुपया हैगा उहदा गोल्ड दा, करोड़ कर दो, मैं कहा वही कर देंगे, 75 कर दो चांदी का, ब्रोंज का 50, मैं कहा भी कर देंगे पर आप काम करिए, जो 10-10 लाख पहले ही दे दी उन्होंने क्योंकि मैडल जितने के काबिल तो बना लिए, वो तो बाद की गल कर रहे हो तुसी, असी 10-10 लाख रुपया पहला दिता, वो तुसी उस लैवल के शू तो लै लो जिस लैवल के शूह नाल उत्थे रनिंग हो रही है, तुसी जैवलिन तो वह लै लो जिहड़ी जिहड़ी सिटी जा रही है उत्थे, इत्थे तो असी डंडियां नाल असी करी जाने प्रैक्टिसा, उत्थे जाके जो जैवलिन होर हाथ चाहते सर पता ही नहीं लगता सू रिहर्सल ही नहीं होंगी साड़ी, इस करके असी क्या पैसे पहला दो, पहला पैसे दो उन्होंने काबल बनाइए, ऑल टाइम हाई 19 मैडल आए अपने एशियाई खेडा चो, ऑल टाइम हाई, और 1-1 करोड़ रुपया गोल्ड से, जिमें चलो इंडिविजुअल तक गोल्ड जिन्हें जितया उन्होंने मिलेगा ही, हॉकी है जिमें हॉकी गोल्ड आ गया इस बार अपना, इहदा मतलब यह नहीं है असीं हाकी टीम नूं 1 करोड़ देवांगे, पंजाब दे 10 प्लेयर ने 10 दे 10 प्लेयर नूं 1 करोड़ रुपया देवांगे। सो जे इदां एप्रीशिएट करांगे ताइयों खेडां वल जाणगे, खेडां वल जाणगे तां फिर ड्रग्स वाले पासे मुड़नगे ना,
एक होर किया है पंजाब पुलिस भर्ती, ये पहला की करते सी जाके सितंबर च दसते सी अक्तूबर च भर्ती है, वह मुंडे कहंदे सी यार थोड़ा बहुत तो टाइम दे दें प्रैक्टिस कर लेंगे एक्सरसाइज कर लेंगे आपदे रिश्तेदारों आपदियां करके भर्ती गुत्थम गुत्था जा कर लेंगे सी। असी करता चार साल का मैन्यू डिक्लेयर करता, जनवरी च नोटिफिकेशन जारी, मई जून च पेपर, अगस्त सितंबर च रिजल्ट, अक्तूबर च फिजिकल टैसट, नवंबर च नियुक्ति पत्र, दसंबर च ज्वाइनिंग, हर दसंबर च ताकि पहली कर लो तैयारी, पहली तैयारी करो कि असी पुलिस च भर्ती होना है, वो शरीर ना प्यार होने लग जाता। फिर ये कितों आया आइडिया, ये आइडिया मैं आया कि जिहड़ी यूपीएससी है जिहड़ी अपने यूपीएससी का एग्जाम होंदा है आई एस बनते हैं आई एफ एस बनते हैं, हर साल देश नूं 800 अफसर चाहिए रिटायर होंदे जिहड़े, पर मेन दे विच यूपीएस का पेपर देने वास्ते बहिंदे ने 7.5 लाख दे नेड़े तेड़े, चुने सिर्फ 800 जांदे आ। मैं कहा भी चलो फिर अगला अटैम्प्ट देंदे ने, अगली अटैम्प्ट भी देंदे ने, अगला कल अगली बार दे लेंगे पेपर, आही असी पंजाब पुलिस रख लिया। फिर इदां ही 2200 पुलिसमैन रिटायर होंदा है, 16-17 सौ सिपाही, बाकी 500-700 सब इंस्पैक्टर इंस्पैक्टर लैवल दे। जे 800 वास्ते 7.5 लाख तैयारी कर सकता है तो 2200 वास्ते तुहानूं तुसीं यकीन कर सकते हो किन्ने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 9 लाख के लगभग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और 1600 सिपाहियों वास्ते साढ़े कोल 4.5 लाख एप्लीकेशन आ गई है, पर मैरिट तो होगी, जिदा मैरिट होगा अगली अटैम्प्ट भी देवांगे उन्होंने, अगले साल का ट्राई कर लो। ये ना कि होगा ग्राउंड जाएंगे, ग्राउंड जाएंगे शरीर ना प्यार होगा, बुरी संगत तो बचणगे। ड्रग दे विच की है, तुसी समगलर इधरों फड़ लोगे वो इत्थों ले आओ, इधरों फड़ लोगे उत्थों ले आओ, जे खत्म करना है नशे ड्रग्स तो उन्होंने गाहक खत्म कर दो जी, उन्होंने आका जिहड़े ने वो भेजन किसी पिंड च बेचण किसी समगलर नू छोटे नू, तो वह ना बेच के आवे तो कहे क्यों की गल होगी, वो कहे जी मैं की करा कोई खरीदने वाले है नहीं। सो आपां खरीदने वाले ही ना उन्होंने जिहड़े गाहक ने वो ही बंद कर जे कर दिए ना खत्म हो जूगा सारा कुछ। सो स्कूलों च असी बहुत वड्डा 40,000 बच्चे का तुसी देखा होना दरबार साहब जाके सौ पाई मत्था टेकिया परमात्मा समत बख्शी, वो तो होगी साड़ी अपकमिंग पीढ़ी, जिहड़े ड्रग दे विच आ गए उन्होंने भी असी छड्डना नहीं हैगा, काउंसलिंग करके मेडिकली उन्हों का इलाज करके उन्होंने भी वापस लेके आवेंगे, पर उन्होंने काम देना पवेगा, जे रोज़गार ना दिता वो फिर 2 महीने बाद उत्थे चले जाएंगे, क्योंकि अपने पंजाबी कहावत है वेला मन शैतानी का घर। सो असी वेले मन ही रखना चाहते, इतने काम वाले मन रखने चाहते हैं। सो रोज़ चाहे वह व्यापार होवे, चाहे सरकारी नौकरियां होन, चाहे पुलिस होवे, चाहे खेडां होवे, बिजी करांगे यूथ नूं, पंजाब बिजी रहूगा तो पंजाब जिहड़ा है, जिस तरह पात्र साहब का फिर शेर आउंदा कि की होया जे पत चढ़ाई तू अगली रुत्त विच यकीन रखी, मैं लभ के लिआउणा कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। सो कलमे तो आपां लभ लांगे, फुल्लां जोगी जमीन रखी हैगी अजे तां टुल्ले फेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। सो अगे आने वाले फ्यूचर दे विच पंजाब सरकार दियां चाहे वह करप्शन वास्ते करप्शन की गल करते हैं, मतलब कई बारी तो मैं एक पूछ लाँ कि लेट तो नहीं हो रहे तुसी है जी, मैं क्या हुण इन्हां दे हिस्से दा मैं बोलना पैना है, मैं क्या नहीं तो फिर आपां कह दिंदे भाई अगली डिबेट रख लाँ कितें होर खुली रख लाँगे। करप्शन दे विच देखो कई बारी तो यह जी फाइल आउंदियां मेरे कोले कि यार मेरा भी सिर चकरा आ जांदा भी यार कमाल है यार भी तारीफ करनी बनती है भी क्या तरीके लभे है करप्शन दे। एक तहसीलदार बारे आ गया साढ़े कोले भी पैसे लैंदा रजिस्ट्रियां दे, असीं कहा चलो देखते हैं, कैमरा लाता ऑफिस च किसी तो पैसे ले जी सारा दिन रजिस्ट्रियां दे, अगले दिन भी नहीं पैसे ले जी, कहते जी लेंदा नहीं, लोग कहते लेंदा जी,
ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆਈਪੈਡ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈਪੈਡ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਮੋੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ? ਉਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, 14 ਨੰਬਰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਬੈਠਾ, 14 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 28 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ 28 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਊਂ 50,000 ਲੱਗੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 35,000 'ਤੇ ਕਰ ਲਾ ਗੱਲ, 35,000 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰਤਾ ਜੀ 14 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ 14 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਬਾ ਰਕਵਾ, ਬਾ ਰਕਮ, ਬਾ ਵਸੂਲ, ਬਾ ਆ, ਬਾ ਦੱਖਣ, ਬਾ ਪੱਛਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ 14 ਅਤੇ 28 ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਲਣ। ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਆ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢੇ ਆ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਾ ਰਕਬਾ, ਬਾ ਰਕਮ, ਬਾ ਵਸੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਮਾਂ ਸਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਹਿੰਦੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਰਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਨੇ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, PDF ਫਾਈਲ ਵੀ ਆਜੂਗੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਅਮੀਰ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵਿਰਸਾ, ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੇ 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ 50% ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਜੂਗਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਊ, 150 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲੇਖ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੰਨਿਆ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੈਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਧੂਨਗੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਦਿਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਵਾਈ।
सो अज का दिन तो बाला बड़ा ही देता कि अज के दिन तो पूरी दुनिया च याद रख्या जाऊगा कि एक बारी ऐ होया सी ते जेड़े सब तो वध बोलन वाले सी ओ हुण कल नू की बोलणगे मैनू नहीं पता। हुण पिंडां च जा तां सकदे ने, आउण दी गरंटी मैं नहीं लैंदा जी। और मेरे वर्गे कमले नू किसी ने पुछया, क्योंकि मैं तो बहुत किताबां पढ़दा जी, मैं इमोशनल हाँ जदों कितें पंजाब दा कोई नुकसान हुंदा होवे, कोई पंजाबी दा नुकसान हुंदा होवे, जां कोई पूरी दुनिया च कितें पंजाबी कितें मुश्किल च आ जाण, मैं कोशिश करदा हुंदा कि मैं किवें काम आ सकदा। सो मेरे वर्गे कमले नू किसी ने पुछया, कहिंदा जिन्ना समां तूं इधर लाया अपने कामकार ती ला लैंदा, हुण तक तूं मेरिया मित्रा पैसे बहुत कमा लैंदा, पैसे नाल पोजिशन बनदी, कोई कारोबार चला लैंदा, धनिया की सूची विच तूं भी अपना नाम लिखवा लैंदा। पर जदों फिर जवाब आया उधरों, कहिंदा गल तां तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लैंदा, धनिया की सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लैंदा, पर रुखां नाल छावां मिटदियां ये समां सब नूं ढा लैंदा, किन्ने धनी हो तुर गए, कौन किसे दा नाम लैंदा, कौन लिखदा फिर सच्ची गुरबाणी जे नानक हट्टी पा लैंदा। जे गुरु नानक देव जी दुकान खोल के बैठ जाते फिर सज्जन ठक वर्गियां नूं कौन सुधारदा, भाई लालो वर्गियां दीआं रोटियां च फर्क कौन दसदा, पंजिआं नाल पहाड़ कौन रोकदा, फिर उदासियां करके किरत करो दा ते सच बोलण दा होका कौन दिंदा। साढ़े कोले ओह गुरु ने, ओह खजाने ने साढ़े कोले, सानूं इधर उधर देखण दी लोड़ ही नहीं। पर हाँ, कौम मेहनती है, धरती जरखेज़ है, बहुत उपजाऊ धरती है, परमात्मा ने कोई घाट नहीं रखी पंजाब नूं, आबो हवा बहुत कमाल, चारों किस्म दे मौसम, पर सिर्फ आ कमी सी, ये खाली हो गई कुर्सियां, एक बारी ताड़ियां तुसी अपने आप दे नाते मार लो। हुण अगली बार देख के बिठाया करो कुर्सी ते, आपां भी उई चक दिंदे आ, कोई नहीं चल ओए आपां सरपंच नूं हराउणा, ओह सरपंच नूं हराउंदे हराउंदे किसी होर नूं जिता बैंदे हो। वोटर कार्ड कदे ध्यान नाल देखियो, फोटो थोड़ी ओ लगी हुई है पर उस फोटो जो तुसी शहीद आजम भगत सिंह करतार सिंह सराबे होरां दी खून की सुगंधी किवें बई दुनिया तो सह पहलां भी लैंदी सी अंग्रेजां वेले, विआह तो उदों भी हुंदे सी, लड्डू जलेबियां उदों भी पकदे सी, पर वो वोट नहीं पाउण दिंदे सी। भगत सिंह होरां दी करतार सिंह सराबा होरां दी लड़ाई की सी कि सानू वोट पाने का अधिकार दो, साडा मुल्क है तुसी छड्ड के जाओ, असी वोट पा के आप दे लीडर आप चुणांगे। इस सिलसिले च ही फांसियां चुमलियां, उस तो बाद वो चले गए, सानू मिल गया वोटर कार्ड, तो वोटर कार्ड असी एक शराब के डब्बे पिछे या दो किलो भुक्की पिछे किसी को फड़ा दें। मेरी हाथ बन के बेनती है, भावें जिन्हों मर्जी पाओ पर अपनी मर्जी ना पाओ, शहीदां दे खून का सस्ता सौदा ना करो। बहुत मुश्किलों नाल कितें आज़ादी मिली हुई है, बहुत मुश्किलों नाल संभालनी पऊगी, लगे हुए हैं सारे देश जा रहे हैं। असं दिल्ली दे विच तुसी देख सकते हो पोलीटिकली किन्ना ज़्यादा कदे किसी नूं फड़ के अंदर करता, पर स्कूल बनाए सिसोदिया ने उन्होंने अंदर करता, चक के ऊँ ला के कोई ना कोई आरोप। मैं अरविंद केजरीवाल जी नाल भी यही गल करता हुन्ना कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। असी आम घर के मुंडे हैं जी, असी आम घर जो निकले हुए हैं, कोई मास्टर का मुंडा है, कोई किसी वकील का मुंडा है, कोई किसान का मुंडा है, साडा कोई बैगेज नहीं है, ना असी कितने कोई किसी ने धोखा किया, ना किसी का हक मारिया। सो जे इन्ने सच्चे हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 दे विच इलैक्शन तो पहला टीवी ते आके इन्ना जिगरे नाल बोलता सी कि जे पौने पांच साल दे मेरे काम पसंद ने दिल्ली दे लोगों तो वोटा पा दिओ, नहीं ना पायो, ये गल कहण वास्ते जिगरा चाहिए, नहीं तो आ हटी नहीं जदों दे लगे ने, एक मौका होर दे दो जी, एक मौका सी, मौके देंदे थक गए, मांगदे नहीं थके, आप दीआं पीढ़ियां वास्ते भी मौके, पीढ़ियां वास्ते मौके। सो मैं तो यही कहना कि असी तो सारे देश जावांगे, जो सच्चाई है उहदा प्रचार करांगे, आ डिबेट वास्ते भी सद्दा देना जिगरे वाला काम है। 25 दिन देते मैं नाल,
जे मेरे विरुद्ध कुछ होंदा इन्होंने फरोला फरोली तो बहुत की हुई है कई सालों की भी लभ जी ये विरुद्ध कुछ जे मेरे विरुद्ध कुछ होंदा आँदे ना फिर अज नहीं आए आना चाहिए सी फिर की होंगे थोड़ी जी मूँह तो हो जाती ऊँ भी तो होगी हूँ जी मान साहब की करिए इन्हों का हूँ हैं जी तुम दसो हूँ फैसला तो लोग करे साढ़े 3 करोड़ इतने देखी जाता करोड़ पता नहीं कितने कितने होर देखूगा फैसला तुम करोगे मैं जज नहीं है मैं तो अज इत मैं पहला क्या ना जित हारना कोई ना यदा कोई ये करना कि ये हक च नारे ज्यादा लग गए आ जित गया जित ना मैं थोनू ये कहना कि इस तरह की आदत पाइए कि लीडर मूँह तो बिठाइए आने वाले जोड़े ने वो हूँ ये देख के आने कि यार उत्थे ना कि रख लैन डिबेट की बोलेंगे फिर जे यह जहा गलत काम कर लिया सो इस करके मैं कहना कि कई बार छोटिया पार्टियां आप नंबरिंग घट रह जाने ने पर बड़िया पार्टियां के एजेंडे रीसैट करा दें ने अज सारे नूं लग गया ना पता कि रोड शो करीदा हुंदा जां डोर टू डोर जाइदा हुंदा नहीं तो हैलीकाप्टर च आया हुंदा सीगा तो वोटां पै जांदियां सी लोकां कोल कोई राय है नहीं सी पर हुण मैं पहलां भी कहा गल भी इत्थों शुरू कीती सी कि जिन्हां तिन्नां ने राज कीता सी ओह पहली बार राज तों बाहर ने इस करके सवाल करना फर्ज बनता है और हाँ जे लोगों ने वोटां च हराते इहदा मतलब यह नहीं है गुनाह माफ़ हो गए साहब जो अज आपां कहने आ कि आह काम ना करो नहीं तो आने वाली पीढ़ियों की जवाब देंगे जे आह काम किए हुए ने ताइयों असी आने वाली पीढ़ी थोड़े जवाब मंग रहे हैं 81 च है मैं तो 7-8 साल का सी फिर मैं तो फिर आने वाली पीढ़ी हो गया ना हूँ मैं जवाब मंग रहा भी आह क्यों दिता अज मैं गलत करूँगा तो अब 20 साल बाद मेरी पीढ़ी मैं तो जवाब मंगूगी आने वाली भी भगवंत मान से उदों आह सहन क्यों किए मैं भी उस लूप चा मैनू कोई मैं कोई यही कहा मैं तुम बरी कर दोगे अज बल्कि मेरी जिम्मेवारी अज तो होर बढ़ गई क्योंकि तुम यकीन बधाओगे मेरे ते हुण कि वे तो यकीन करोगे मैनू होर ज़्यादा जिम्मेवारी पै जाती है हरेक मैच विराट कोहली सेंचुरी नहीं लाता जे विराट कोहली 70-75 ते आउट हो जाए आप कहने तो खत्म है तो उधरों जसप्रीत बुमराह वर्गा 15 रन बना जाए कहते आह चल गया बई कारण यह है कोहली तो सेंचुरी की उम्मीद है बुमराह तो बैटिंग की उम्मीद ही है नहीं सो जदों एक्सपैक्टेशनस बढ़ जाती है ना एक्सपैक्टेशनस हाई हो जाए ने तो थोड़ा अपना जिम्मेदारी बढ़ जाती है मियाँ मुहम्मद बख्श लिखते हैं कहते रल मिल सइया पानी नू गई कोई कोई मुड़पी भर के रल मिल सइया पानी नू गई कोई कोई मुड़पी भर के जिन्ना भर के सिर ते धरिया वो पैर धरन डर डर के कहते मियाँ साहब कहते परमात्मा हरेक का घड़ा नहीं भरता जिम्मेवारी वाला किसी दी भरदा कोई कोई मुड़पी भर के परमात्मा हरेक का जिम्मेवारी वाला घड़ा नहीं भरता किसी का भरता पर जिदे भर के सिर ते धरिया उन्हूं पैर डर डर के तरने पैंदे बोझ बोझ के तरने पैंदे क्योंकि अगे लिखते हैं कि मैं अन्ना ते तिलकण रस्ता देवे कौन संभाला धक्के देवन वाले बहुते एक तू हाथ पकड़न वाला बस सो मेरे वल्लों तुहाडा इत्थे सारयां दा स्वागत जो हाल च ने मेरे वल्लों पूरी दुनिया च आप जो वख वख माध्यम राही देख रहे जिन्ने भी लोग पंजाबी तह दिलों एक बार फिर धन्यवाद है ये जिहड़ा कच्चा चिट्ठा है बल्कि पक्का चिट्ठा है ये लै जो बाहर पिया और PDF ते भी मिल जूगा सारी दुनिया च पंजाबी ते अंग्रेजी च हैगा जरूर पढ़े इहदे च अंकड़े ने कि कित्थे कित्थे अपने नाल ਤੱਕੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਆਹ ਦੱਸਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟਾਂ अमरीका कनेडा जो सामने अमने बिठा लेंगे दोनों राष्ट्रपतियों नू अपना अपना एजेंडा दसते हैं जिदा एजेंडा लोगों को पसंद आता उन्हें वोटा पा देते बहुत अहमियत है डिबेट की उत्थे डिबेट वाले दिन उत्थे कोई रेस्टोरेंट खाली नहीं हुंदा बड़ियां स्क्रीन लगी हुंदियां ने लोग डिबेट तो बाद डिसाइड करते हैं कि करना की है मैं भी तुहाडे ते फैसला छड्डदा कि आ लो जी मैं तो अपने वल्लों तुहाडे मूहरे थान सुट्टिया भावें सुथणा सवाओ भावें लहंगा मैं आपदे वल्लों जो रख सकता मैं रखता अगे तुहाडी मर्जी है क्योंकि जनता का जिहड़ा फतवा है वह सिर मत्थे हुंदा है सो मैं
सिर मत्थे लैंदा वा और जिन्हें भी बुद्धिजीवी लोग कुछ मजबूरियों के बावजूद भी उन्होंने आए छो सद्दा पत्र शॉर्ट नोटिस से मिले होगा उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद और जिन्हें भी लोगों ने अज इस पास्ट प्रेजेंट तो फ्यूचर की इस डिबेट में देखा उन्हों का भी धन्यवाद उन्होंने भी धन्यवाद इन्हों का भी धन्यवाद इन्हों का भी तो उन्हों का भी बहुत बहुत मेहरबानी जेडे चार फुलां दे बुके इन्हां वास्ते रखे है वह जनता नूं दे दिओ जी 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 क्योंकि स्वागत जनता का बनता है ये फुलां दे बुकियां दे काबल है नहीं जिहड़ियां करतूतां जिस हिसाब दियां हैगियां ने सो मैं एक बारी फिर बहुत बहुत तुहाडा ऋणी हाँ जिहड़ी जिम्मेवारी तुसीं मैनूं दित्ती है उहनूं मैं निभाऊंगा और इस तरह नाल निभाऊंगा कि तुसीं मैनूं अपने परिवार का मैंबर समझ सकदे हो कि ये भगवंत मान है भगवंत मान ने फैसला लिया तो परिवार के भले च ही लिया लाणेदार का काम होंगे कि उस परिवार को कट्ठे भी रखना है तलखियां भी होंदियां ने शिकवे भी होंदे ने परिवार च कट्ठे भी रखना है तो परिवार को चढ़दी कला च भी रखना है तो परिवार जिहड़ा उन्हें तरक्की भी करवानी है सो आने वाली दिवाली दियां बहुत बहुत मुबारक कि दिवाली के दीवे जिहड़े ने ओह लोगों के घर तरक्कियां दे तंदरुस्तियां दे जिहड़े चिराग जिहड़े ने चानण विद्या का चानण लेके आन तरक्की का चानण लेके आन बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी असीं तुहाडे इस गल्लों धन्नवादी हाँ कि बतौर स्टेट के हैड तुसीं एक पिरत पाई आ राह तो रहा कि आओ गल करिए सारयां नूं आवाज़ मारी आ ये पिरत वधूगी अगे जरूर इस तरह दियां डिबेट्स जिहड़ियां उह होया करनगियां तुसीं अतीत नूं लैके तुसीं वर्तमान नूं लैके तुसीं भविख नूं लैके बहुत सारे नुकते पेश कीते आ बहुत अपना वधिया विजन पेश कीता साडी पंजाब दी नौजवान पीढ़ी दे लई ते यही गल निकलती है कि पंजाब गुरां दे नाते वसदा सी गुरां दे नाते वसदा रहूगा रंगले पंजाब दियां खिड़ियां रहन बहारां बहुत बहुत मुबारकां मान साहब तुहानू असी पंजाब सरकार दे धन्नवादी हां दोस्तों तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद बहुत बहुत शुक्रिया जिला प्रशासन वल्लों बेनती